रख दे बस, कमर दो क्या भाई ईटा ले जाने में। अरे अंकल अभी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, ठोक मत दीजिए। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सारे बढ़िया होंगे। सो गाइस, पिछले ब्लॉग में आप लोग को देख के तो पता चल ही गया होगा। तो अभी हम आए हुए जाके घर पे, यहाँ पे क्रिजिस भी है तो ये दोनों को लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे गाड़ी को खोलना वोलना सब कुछ स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल पहले तो चक्का पेंट करवाना है तो दोनों चक्का खोलना पड़ेगा, और ऐसे वाइजर वाइजर जितना कुछ सारा कुछ खोल ही देंगे। अभी जाके वहाँ पर लाइट वाइट का सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब मेरे गैरेज में लाइट नहीं है तो वहाँ पर अलग से एक्सटेंशन बोर्ड लगा के लाइट वाइट लगाना पड़ेगा। सो गाइस, पहले सीरीज़ में अलॉय पेंट होने वाला है सिर्फ, उसके बाद वाला सीरीज़ में चर्चिस वगैरह टैंक वैंक सब पेंट होगा। तो चलो पहले चलते घर, सब कुछ खोलना स्टार्ट करते इसका। चल सो गाइस, आ चुके हैं गैरेज पे, चलो बाइक के अंदर उगाते हैं। यहाँ तो लाइट वगैरह कुछ था नहीं, देखो जाए सारा लाइट लगा दिया। इसे घर से अपना ट्यूबलाइट लेके आया था, एक ट्यूबलाइट दो तीन ट्यूबलाइट लगाया है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी को खोलना। अच्छा, ईटा लगेगा, ईटा लगाना होगा। यहाँ पाँच ईटा, ये दूसरा स्विंग में पाँच ईटा, ठीक है। और वहाँ पर डबल लेट देना पड़ेगा इंजन वहाँ, कम से कम 20 ईटा लगेगा। इस पर नहीं देंगे, इंजन को वहाँ देंगे, ये वाला हिल जाएगा। ये अंडर वेली खोलना पड़ेगा। तो गाइस, पहले हम लोग को चलना पड़ेगा ईटा लाने के लिए, क्योंकि हम लोग पास पैडक स्टैंड तो है नहीं, तो देसी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे स्विंगा में ईटा लगाना पड़ेगा और इंजन में ईटा लगाना पड़ेगा। तो चलो पहले ईटा का जुगाड़ करते हैं। भाई इतना कष्ट है ज़िंदगी में ईटा ले जाने के लिए, इतना दुख। इधर इधर से डायरेक्ट अंदर। बस कमर दो क्या भाई ईटा ले जाने में। सो गाइस, पहले हम लोग को साइड पैनल से खोलना पड़ेगा, फिर अंडर बेली खोलना पड़ेगा, तब जाके ईटा लगा पाएंगे, नहीं तो फिर ईटा यहाँ लगा देंगे तो अंडर बेली टूट जाएगा। सो गाइस, चलो पहले फटाफट खोलते साइड पैनल सबको। भाई ये साइड वाला लिंकी बोल्ट खोलने में बहुत झमेला है, बहुत अंदर में रहता है। तो गाइस, अब अंडर बेली का बारी, अंडर बेली खोलना जरूरी है तभी जाके ईटा लगा पाएंगे नीचे। तो अब अंडर बेली खोल लेते हैं। चल लाइट दिखा जाए भाई, गाड़ी खोलने में हाथ में कितना जगह लग रहा है, देख लो कितना मेहनत वाला काम है। खोल तो रहे भाई, लगा पाएंगे वापस? लगाना ही बहुत मुश्किल है, याद रखना पहले अंडर बेली लगेगा, उसके बाद पहले अंडर बेली लगेगा। ये खुला भाई अंडर बेली इसका, भाई देख कितना कचरा है अंडर में, देख कितना सारा दाग है, देख रहे सो गाइस, अब ईटा लगाने के बारी, अब ईटा लगाना होगा। बहुत टेंशन वाला काम है, कैसे ईटा लगाएं इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं लगाने का। रुक जा रुक जा, स्टैंड उठाने दे, पकड़े हाँ उठा उठा। क्या स्टैंड नीचे दे, स्टैंड उतार पहले। रुक जा रुक जा रुक जा, एक मिनट गाइड उठा दे। ये
क्रिजिस टू ठेल, रुक जा ठेल, रुक जा रुक जा। क्रिजिस पकड़ रहा था, ठीक है रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं बैठ रहा गाड़ी तो सीधा, हाँ ठीक है नीचे बुरा लगना होगा ना। सुन हमको लग रहा और दो ठीटा लगाना पड़ेगा क्योंकि चक्का उठ नहीं रहा है, चक्का उठ जाएगा ना, उधर उठेगा तो उठ जाएगा ना। रुक जा रुक जा रुक जा, यहाँ बुरा लगा देते भाई तो ताकि इंजन में दाग ना हो। हाँ हाँ शॉकर कमाना रख दे, कैसे रख दे, रखा रखा, हाँ 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 इधर दबेगा तो इधर उठ जाएगा ठीक है। तो एक काम करते हैं सुन, पहले पीछे वाला चक्का खोल लेते हैं ठीक है, क्योंकि पीछे का उठा हुआ है। सो गाइस अब खोलते हैं पीछे का मडगार्ड को, मडगार्ड नहीं खोलेंगे तो फिर चक्का नहीं निकलेगा बाहर। इसमें भी जंग लग चुका है, सारे सारा नट में WD-40 मारना पड़ेगा। भाई इतना कोना कोना में नट है ना, हाथ में फट फट लग रहा है। ये खुला राइट साइड का लंगी, ये खुला भाई इसका मडगार्ड। ओह चक्का क्या चौड़ा लग रहा भाई, चक्का मस्त लग रहा है ना। सो भाई साइड पैनल, अंडरबेली और पीछे का सीट वीट सब कुछ खोलना हो गया। अब चलो पहले टैंक खोल लेते हैं फटाफट, फिर उसका चक्का वगैरह खोलेंगे। भाई टाइम देख रहे हो कितना ज़्यादा हो गया, कितना सही खोलने में 10:30 बज गया। टैंक खोलना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये ऊपर वाला ख्याल, ऊपर वाला थोड़ा बहुत एलंकी खोलना है और साइड में एक दो नट है बस वो सब खोलना है। बस अब टैंक का ढक्कन खोलते हैं और इसको निकालते हैं। अरे भाई तेल उठ रहा है क्या, देख तेल ऊपर आ गया, डीवी ढीला हो गया तो चेंज करना पड़ेगा। सो गाइस टैंक खुल चुका, ओहो पूरा गाड़ी नंगा लग रहा है, ऊपर लगा दे। तो भाई अब फाइनल चक्का का बारी, चलो चक्का खोलते। अरे इसको इसको तो रख दे, ऊपर गया। चलो अब चक्का खोलते हैं, ये रिंच नहीं था भाई हम लोग के पास, बहुत मुश्किल से रिंच मिला। बाप रे बाप, भाई इतना दम लगाना पड़ रहा है, कुछ ज़्यादा टाइट हो गया था। अबे सर फिसल गया नट, नट फिसल गया, एक थोड़ा सा फिसल गया, घूम रहा है। सो चेंज कर लेंगे ना, हाँ ब्रेक नहीं मारना है भाई नहीं तो फंस जाएंगे, ब्रेक मारने से ही मुश्किल है। हाँ हाँ बीटा लगा दे, बीटा हाँ दोनों दोनों इसमें स्विंगा में लगा देंगे। रुक जा रुक जा, वाशरूम फंसा निकला, ये सब खोलना होगा। रुक 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 गाड़ी, रुक जा लगा, क्रिज पकड़ना ठीक है भाई। इसका मडगार्ड खोलना पड़ेगा, मडगार्ड भाई मेरे को पता ही नहीं था यहाँ पे एलंकी भी लगता है। पकड़ना हैंडल पकड़ना, खुल गया ठीक है, ऊपर टांग के ठीक है, ऊपर टांग के नहीं तो मडगार्ड टूट जाएगा ठीक है। बस रुक जा रुक जा रुक रुक जा, एक मिनट रुक जा भाई, चक्का डे मेरा पैर पे खुल गया। क्रितिस तू एक काम कर भाई, सामने सारा में ग्रीस लगाना पड़ेगा ना, तो गाइस फाइनली पूरा बाइक खुल चुका है। अब कल सुबह लेके जाएंगे वो पेंट के लिए चक्का वक्का को, पहले चक्का पेंट करवाएंगे उसके बाद सीरीज टू में आप लोग को चेसिस पेंट और टैंक वैंक जितना कुछ है सारा कुछ वो सब सीरीज टू में देखने को मिलेगा। तो सीरीज वन में चक्का वक्का पेंट करवाएंगे। तो चलो व्लॉग का अभी फिलहाल के लिए यहाँ बंद करते हैं, अभी टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका है, 11 बज चुका है, शाम 5 बजे से काम कर रहे हैं भाई हम लोग।
तो चलो सुबह मिलते हैं आप लोग से जब चक्का पेंट करवाएंगे तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फिलहाल तो रात को बाइक पूरा खोल करके रेडी कर दिए थे, अब चलो अब पेंट पेंट का बारी है। तो चलो पहले चलते हैं, अब चक्का को पहले पेंट करवा लेते हैं, उसके बाद फिर चचिस वगैरह पेंट करवाएंगे। अरे अंकल अभी सुबह काम के लिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट दीजिए। तो भाई देख सकते हो कितना परेशानी के साथ ले जाना पड़ रहा है इसको। पीछे क्रिटिस लेके बैठा हुआ है फ्रंट टायर, सामने ले लिया बैक टायर। तो चलो व्लॉग ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, चलते हैं वहीं पर राइट जहाँ पेंट होगा, फिर वहाँ स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे अभी सैंडिंग का काम चल रहा है। सैंडिंग करने का बेनिफिट ये है कि पेंट जो है वो अच्छे से पकड़ता है, मतलब थोड़ा जो प्लेन पार्ट है वो खुदरा खुदरा हो जाएगा तो पेंट अच्छे से पकड़ेगा इस पर, तो इसके बाद फिर पेंट वाला काम होगा। सो गाइस देख सकते हो रिम के ऊपर पेपर लगाने वाला काम चल रहा है ताकि वो चक्का के ऊपर कलर ना लगे, फिर इसके बाद पेंट वाला काम होगा। ये देखो भाई पेंट वर्क स्टार्ट हो गया, ऑरेंज से ब्लैक हो रहा है। पहले अलॉय का बीट सब हो रहा है, सही लग रहा भाई। ऐसे देखो डिजाइन लग रहा पूरा। हाफ ऑरेंज हाफ ब्लैक। इस तरफ देखो भाई पूरा ऑरेंज ऑरेंज है। यहाँ बहुत ज़्यादा पेंट हो रहा है, चलो पेंट हो जाता है तो उसको आप लोगों को दिखाते हैं कैसा लग रहा है। भाई बवाल लग रहा है कसम से ब्लैक होने के बाद। सो वैसे फ्रंट व्हील का बारी, फ्रंट व्हील स्टार्ट हो गया। ऐसे देखो भाई साइड क्रीम ब्लैक है और ये सब ऑरेंज, ये भी सही लग रहा है, पर होना तो फुल ब्लैक ही है इसका। ये देखो भाई फ्रंट व्हील पूरा ब्लैक हो गया, अब इसके ऊपर और कोटिंग होगा वो तो फिर आप लोग को दिखाते हैं। अब सेकंड कोट के बाद इसमें साइन आ जाएगा, पूरा पूरा ग्लॉस हो जाएगा। या फिर सामने से देखो एकदम देखो क्रोम टाइप का फिनिशिंग। हाँ आप लोग सिनेमैटिक एंजॉय करो, सिनेमैटिक बनाते हैं इसका हम। सो गाइस देख सकते हो दोनों अलॉय पेंट हो चुका है पूरा फुल ब्लैक, क्या चमक रहा है भाई, सही लग रहा है। तो भाई चलो ये सीरीज़ को यहीं पेंट करते हैं और अगले सीरीज़ में आप लोग को चर्चिस वगैरह और टैंक वैंक सब कुछ पेंट देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद वाले सीरीज़ में आप लोग स्टिकरिंग मिलेगा। तो चलो व्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और स्टे ट्यून्ड रहना अगले व्लॉग के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।